है ऐसा मन ना, फिर बोलते हैं कि जितनी लंबी चादर हो इतने लंबे पांव पसारो। चलती का नाम कड़ी है। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते रहते? गया छोड़ी दादा दादी ओके चुड़ू बुड़ू। मैं तो अब 44 साल का हो गया। मैं तो हमारे बुजुर्गों से लेकर 80-90 साल हो गए। 1993 में हुई मेरी शादी। पहले मतलब प्राइमरी स्कूल भी दूर था और उसके बाद फिर कुछ गांव में बढ़ गए। मतलब थोड़ा प्राइमरी स्कूल बढ़ गए, मैट्रिक तक बढ़ गए, प्लस टू तक बढ़ गए। और मतलब पहले तो दूर यहाँ कटोड़ा में आना पड़ता था, चाहे वो साथ मिल से हो या यहीं इधर उधर गाँव से हो। मतलब थोड़ा ये IIT की वजह से ना थोड़ा अभी बदलाव सा हो गया है। पहले थोड़ी दिक्कत होती थी इधर सामान वगैरह की, देख ले ना, बाकी ठीक है। पहले जैसे इतना हमारी सेल नहीं होती थी ना, जब से मतलब ये IIT का इंस्टीट्यूट बना ना, मतलब गांव वालों को मतलब जैसे दिहाड़ी कमाते थे हम, अच्छा सा लग रहा है। मतलब शाम को अच्छी सेल हो जाती है। मतलब बदलाव तो बहुत कुछ है, जैसे लोग हमारे लोगों को बहुत रोजगार मिला यहाँ पे। पहले हम यहाँ से बॉम्बे में काम किया होटल इंडस्ट्री में, तो पहले हमारे को यहाँ से बाहर जाना पड़ता जैसे कुल्लू मनाली, हमारे यहाँ पे इतना रोजगार नहीं था। जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी तो उसके बाद बहुत रोजगार मिला हम लोगों को। यहाँ पे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं कई, हम बहुत बहुत से आदमी हमारे लोग अंदर भी काम करते हैं, बहुत बेनिफिट है हमारे। ITI भी हो गई, IIT भी हो गई, कॉलेज भी हो गई, हर चीज़ें हो गई, पानी बिजली हर सुविधा हो गई है, वरा स्कूल हर चीज़ सुविधा हो गई है। लोग जितने सिटी में जाएंगे वो तो बोरिंग है, क्योंकि मैं खुद रहा हूँ चंडीगढ़ में ना, तो हमको पता है वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में कितना अंतर है। हमारी तो अपनी ये पहाड़ों वाली लाइफ है, यहाँ तो ऐसा लगता है स्वर्ग से, जो स्वर्ग है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। अच्छा है ना गांव का जीवन जो है, हमें अच्छा लगता है इधर रहने, ठंडी हवा वगैरह में से। जैसे शहर में रहते हैं तो सांस लेने की दिक्कत होती है, AC लेना पड़ता है, हमारे यहाँ अच्छा होता है गांव में का रहना। नहीं अपने पहाड़ में बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ में बहुत अच्छा, पहाड़ में बहुत अच्छा है सब चीज़ें ना। मतलब मैं आदत पड़ चुकी हूँ कि मतलब ठीक है, जो भी अपना लिमिट का थो मतलब खर्चा भी कम हो जाता है गाँव के आदमी का, शहर में जाकर थोड़ा ज़्यादा हो जाता ना खर्चा वगैरह। नहीं हमारे पहाड़ में बहुत अच्छा रहना है, गाँव में अच्छा रहना जीना होता है, हवा साफ आती है, प्रदूषण अच्छा है, उसके साथ बरखा है बाजार जरा क्यों है मरी नंदी, बाजार में बहुत गंद होता है और ठीक काज भी होते हैं पर ठंड बहुत होती है, और यहाँ में दिक्कत नहीं है रहने की, मजा आते हैं अपने पहाड़ में रहने का, शानदार होता है। करता है ऐसा मन ना, फिर बोलते हैं कि जितनी लंबी चादर हो इतने लंबे पाँव पसारो, जो फिर ज्यादा पाँव फसा दे तो पाँव नंगे रह जाते हैं, फिर कैसे क्या करें, फिर जैसे जैसे मन को डाल दिया वैसे ही चलना पड़ता है। वहाँ रूम लेके रहे हैं हम, जैसे हमारी इधर से पैदाइशी है ना, अपना घर है, शहर में क्यों जाए हम किराए के रूम पे क्यों जाए। शहर से हम बहुत तंग हो गए, गाँव अच्छा है, शहर में मजा नहीं आता ना जितना पहाड़ों में आता है। एक दिन भी गया ना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हम, पहाड़ों में तो मजा है अपना। और तो सब कुछ ठीक है, पानी के बिना है। तो अब बारिश नहीं हो रही है ना पहले की तरह, पहले होती थी ठंडी में भी होती थी बारिश, जैसे बरसात में भी होती थी। अब 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि बरसात में ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो जैसे सर्दी वगैरह होती है उसमें बारिश नहीं हो रही है। इधर कुछ गाय भैंसे पालते हैं, पशु पालते हैं, कुछ दूध निकालते हैं उनका, वो भी घास की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी हमारा छोटा मोटा ये बैल का काम है। चलती का नाम कड़ी है।
हाल ही में जो पिछली बरसात हुई उसमें गलत बहुत मतलब शुक्र है अब बच गए हैं तो आने वाला समय घबरा गए जैसे जब बारिश आती थी घर में घबराहट हो जाती थी कि कहाँ जाए अब सुरक्षित हम घर में ही समझने लगे चाहे 5 मिनट के बाद घर चले क्यों नहीं जाए पर घर में ही फिर अच्छा महसूस करते थे ज्यादा बारिश हो तो घर में भी डर लग जाती थी रात को।